जो आपने प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी आकाश इंस्टीट्यूट में, इसके बारे में बता सर। पहले तो थैंक यू सो मच आप सब जुदा आने का। ये जो प्रेस वार्ता रखी है दिस इज़ फॉर एंथे। एंथे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा महायज्ञ है। एंथे इज ऑल अबाउट आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, राइट। अगर मैं बात करूँ, ये एंथे का 13th एडिशन है, दिस इज़ दी 13th एडिशन। हम 2010 से शुरू हुए थे और आज 335 लाख बच्चा इस एंथे में पार्टिसिपेट कर चुका है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 12,50,000 स्टूडेंट एनरोल्ड देमसेल्स एंड 7,25,000 स्टूडेंट्स गेव द रिटन एग्जामिनेशन। सो इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन एज आई सेड। और ये प्रेस वार्ता इसलिए भी है कि हम अब 2000 बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड है, सिंगल मदर, बीपीएल कार्ड होल्डर्स, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, राइट, सो वी आर ऑल्सो गिविंग सम सॉर्ट ऑफ गुड स्कॉलरशिप्स, कैश रिवॉर्ड्स, ये सारा का सारा उसमें दिया जाएगा सर। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, इसमें कोई फीस किसी तरह की किससे नहीं ली जाएगी। इनफैक्ट बच्चों को सपोर्ट ही किया जाएगा एग्जाम देने में। और जो भी लोग बिलो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, सिंगल मदर्स हैं, ओनली गर्ल चाइल्ड हैं, उनको सेपरेटली इस एग्ज़ाम में अलग से स्कॉलरशिप भी दी जाएंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ये लड़कियों के लिए खासकर कोर्स है, हाँ जी जी, सिंगल मदर्स के लिए है, तो सर ऐसा नहीं है कि वैसे तो एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहे हैं कि लड़कियों को आगे लेके आ रहे हैं कोर्स को ब्रेक रख रहा है, हाँ जी जी, लेकिन लड़कों के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं हुआ ऐसे? सर देखो, लड़कों के बारे में नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कि जो ओनली गर्ल चाइल्ड वाले पेरेंट्स हैं उनको भी, और जब देखें इंडिया में जेंडर रेशो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत जेंडर रेशो में बहुत डिफरेंसेस हैं, तो हमें गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। बाकी जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ये एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंस उतनी ही है, सभी को और स्कॉलरशिप मिलेगा। बट हमने ये बोला कि एडिशनल स्कॉलरशिप्स उनको भी दी जाएगी जो ओनली सिंगल मदर्स हैं या फिर जिनके पास केवल बेटी है, ओनली गर्ल चाइल्ड है, उनको भी दी जाएगी, और अलॉन्ग विद अंडर प्रिविलेज्ड गरीब बच्चों के बच्चे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियों, से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जैसे सर हमने बताया कि ये तो अच्छी बात है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट आज की डेट में लड़कियों को आगे कर रहा है या कोर्स वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर कल को सर लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं, कल को लड़कों की कोई दिक्कत कोई ऐसा है? नहीं सर, जब जिस दिन वो नौबत आएगी उस दिन वैसा भी ज़रूर सोचेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि गर्ल्स कंपेरेटिवली कम उनको आगे किया जाता है, तो उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, बिकॉज जो जेंडर रेशियोज है देश में वो भी हमें इम्प्रूव करानी चाहिए और गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी जो करंट सिनेरियो हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में भविष्य में बात करेंगे। सर जैसे कि नेक्स्ट अपना जो लोगों को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? सर मैसेज इतना ही है, देश की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमें एक अर्ली स्टार्ट लेना चाहिए, एंथे जैसे एग्ज़ाम का बेनिफिट उठा के अपने बच्चे की एजुकेशन को और बेहतर करना चाहिए, बिकॉज जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट, तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो, देश विदेश च बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकदे ने, घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान, वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत औलाद कहड़े तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नु मनाउणा प्यार मोहब्बत, बाबा यामीन बंगाली, 9645300321।